आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग की दुआएं हैं और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी बहुत मज़े में होंगे। गाइज, मैं हूँ इस वक्त अपने अनुपमा के मेकअप रूम में और मैं जा रहा हूँ आज कुछ शूट करने। बहुत दिन से अनुपमा के सेट से आप लोगों के लिए ब्लॉग नहीं बनाया था गाइज, तो सोचा कि आज अनुपमा के सेट से आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाया जाए और देखते हैं आज हमारे साथ कौन कौन शूट कर रहा है और हम क्या क्या शूट करने वाले हैं और किस किस को आपत्ति नहीं होती कि मैं उनको अपने व्लॉग में लूं या ना लूं। तो अब मैं जा रहा हूं, टाइम हो गया इस वक्त बज गए नीली 10 सुबह के। मैं आ गया था यहां 9:15 बजे, मेकअप रेडी हो गया है और अब मैं जा रहा हूं अपने पहले सीन के लिए। तो देखते हैं पहले सीन में कौन कौन है और क्या होने वाला है, तो आप भी चलिए, है ना। तो मुझे लेना तो कुछ नहीं है, बस ये मेरा ब्लेज़र पड़ा है जिसे मैं ले लेता हूँ, जिसे मुझे शूट में शॉट में पहनना है, ठीक है। और बाकी तो तैयार हो गया हूँ पूरा बढ़िया से, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या शूट करने वाले हैं। लेट्स गो। मिस्टर भीमा हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं हीरा मंडी के शर्ट में और ये जो टाइगर को सहला रहे हैं ये जंगल किंग है हमारे। वो हाँ बिल्कुल वैसे ही बैठा है ना, पोज वही है। ये हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है जो शेर के साथ बैठे हैं, शेर के साथ। ये इनके रक्षक हैं, ये उतना ही शेर है जितना वो राजा है। टॉफी और कॉफी इनके दो शेर है, वो एक दूसरा अंदर है। ये देखिए ये इनके दोनों प्रोटेक्टर हैं। हाँ, और दिस इज जहाँ हम लोग आज शूट करने वाले हैं, सो दिस इज द प्लेस। बी जी आ गई हैं लश्कारे मारते हुए पूरे, सो दिस इज इट। सीन ट्राई करते हैं। तो गाइज मैं रेडी हो गया हूँ अपने सेकंड सीन के लिए। वो सीन हमारा हो गया खत्म जिससे पहले आपको दिखा रहा था और अब जा रहा हूँ, चेंज कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं ये मेरा चेंज हो गया और अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे सीन के लिए सेट पे। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कौन कौन है मेरे साथ सीन में, वो भी आपको दिखाता हूँ। व्लॉग को पूरा देखिएगा क्योंकि आज सिर्फ दिन भर अनुपमा के सेट के ऊपर मैं क्या शूट कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ शूट कर रहा हूँ, ये व्लॉग सिर्फ उसी के बारे में होने वाला है। बहुत दिनों से अनुपमा के सेट से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो सोचा कि यहाँ से एक व्लॉग बनाया जाए। बहुत टाइम हो गया और लोग कमेंट्स में लिखते भी रहते हैं कि आप अनुपमा के सेट से कुछ व्लॉग्स को नहीं बनाते, तो सोचा एक व्लॉग यहाँ से बनाए। तो आइए अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि अब अगला सीन हम लोग कहाँ कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। लेट्स गो। तो गाइज ये है, हम स्पाइस एंड चटनी आ गए हैं और स्पाइस एंड चटनी में है हमारा अगला सीन, तो अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ। और तैयारी हो चुकी है पूरी एंड पीपल गेटिंग रेडी, सो लेट्स स्टार्ट आवर सीन नाउ। और ये हमारे डायरेक्टर साहब शॉट समझाते हुए विक्रम को कि करना क्या है। कहाँ गया बर्गर आप जो खा रहे थे, बताओ बताओ खोल के क्या है ये, असली बर्गर नकली बर्गर? अरे नकली बर्गर है पूरा, स्पंज है, डोनट भी है। हाँ ये तो गाइस ये है डोनट जो बिल्कुल नल्ला शूटिंग के लिए हमने रखे हैं, इंडियन नंदूरा। अच्छा उसका रीजन ये है कि इसी नल्ला इसलिए रखते हैं कि अगर नल्ला नहीं रखेंगे ना तो जब शॉट नहीं हो रहा तब तक लोग इसको खा लेंगे, तो हम लोग या तो नल्ला रखते हैं उस पर फिनिट मार के रखते हैं मच्छर मारने की दवा ताकि फिर खाए ना। अच्छा और भी कुछ चीज है यहाँ पे, ये क्या है, ये डोनट है लेकिन ये डोनट नहीं है, ये रबर का बना है पूरा है। और ये देखिए इसके ऊपर ब्लूबेरीज हैं और ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, लेकिन ये है बिल्कुल नल्ला, इसको आप खा नहीं सकते, ये स्पंज है। कौन सा आइटम है? हाँ ये तो दिखा दियो मैं,
पहले व्लॉग में दिखाया कुछ नहीं बताया। तो ये है बेसिकली शुरू पे ऐसी चीज़ें होती हैं तो यूज़ करना होता है, लेकिन ये जो बना रहा है ये असली है, सैंडविचेस अंदर असली है और वो शायद हमें शॉर्ट में खाने होंगे। और गाइस पूरी कोशिश हो रही है कि ये राइस हवा में उड़े और ये अबे कितना तेल डाल दियो बे। रेडी ये फ्राइड राइस बना के मैं खाऊंगा, इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची डाल दो। अभी तो उड़ेंगे, स्पाइडरमैन बन गए राइस सारे के सारे। और ये जो हमारे डायरेक्टर हैं ये बेसिकली पार्ट टाइम शेफ भी हैं, ये पार्ट टाइम खाना भी खिलाते हैं। जिस दिन शूटिंग नहीं करते हैं इनका एक ठेला लगता है अंधेरी स्टेडियम के सामने, वहां ये लोगों को खाना खिलाते हैं। इनका फेवरेट है चिकन चॉपर राइस, जो ये बनाते हैं। ओए ओए आधे से आधा तो उछल का करो वापस, आधा तो नीचे गिरा दिया यार विक्रम तूने। तो बेसिकली स्पाइस इन चटनी में सीख रहे सब खाना बनाना यार। हाँ लवली ये आवाज चाहिए बस, नाइस। हेलो 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 आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज हो गया है दूसरा दिन और कल आगे हम ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कुछ शूट मेरा ख़त्म हो गया था, फिर मैं घर चला गया। तो आज वापस सेट पर हूँ और अनुपमा के सेट वाला जो ब्लॉग है वो आज भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम लोग शूट कर रहे हैं कि स्पाइस और चटनी जो हमारा रेस्टोरेंट था जो बंद हो गया था अब वो वापस शुरू हो रहा है, आज इसका री इनॉग्रेशन हो रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाऊं ये सारी तैयारियां यहाँ पे हो गई है रेस्टोरेंट को इनॉग्रेट करने की। और जितने भी हमारे रेस्टोरेंट में काम करने वाले हम लोग हैं, मतलब विक्रम, केडी और राहुल, हम लोग सब वापस आ गए हैं और बहुत अच्छे से हमने पूरा इस रेस्टोरेंट को सजा दिया है। और हेलो, और आप ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से रेस्टोरेंट को वापस सजा दिया गया है। और अब ये होगा रीस्टार्ट और आज यहाँ पे हम लोग को शूट कर रहे हैं। सो गाइस आई थिंक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। हाँ भाई राहुल, आपका जो है रेस्टोरेंट स्पाइस इन चटनी फिर से शुरू हो गया है, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, दो चार पैसे जो बंद हो गए तो वो अब आना शुरू हो गए। हाँ भाई विक्रम आपको क्या लग रहा है? वेरी हैप्पी, वी ऑल आर हैप्पी। हाँ स्पाइस और चटनी की पहचान और आपकी पहचान ये टी शर्ट है, जब तक आप ये टी शर्ट पहन, हाँ ये टोटका है, आप अगर ये टी शर्ट पहनोगे तो ये रेस्टोरेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और बीजी लश्कारे मारते हुए यहाँ पे रेडी हैं, अब आप जान ही रही हैं वापस इंडिया और आपका रेस्टोरेंट खुल गया है तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं बकौल इनके तो कुछ और वजह है, आप नहीं जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि अच्छा है गाड़ी चलती रहेगी, है ना? सर आप बताइए आपको कैसा, आप बताइए। स्पाइस एंड चटनी शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है, मतलब वो फ्रॉम द हाउस ऑफ स्पाइस एंड चटनी के कुछ सारे गाने थे वो आ नहीं रहे थे बहुत दिनों से, तो अब जरूर बनाए जाएंगे वो गाने और जिसके हम रील्स भी बनाते हैं और शॉर्ट्स भी बनाते हैं, तो अब बनेगा क्योंकि स्पाइस एंड चटनी के जो सारे हमारे प्लेयर्स हैं चारों पाँचों हम लोग सब वापस मिलेंगे तो अब धमाल होगा, मस्ती होगी और क्या होगा। हाँ ये जो बुकिंग दे रहे हैं ना तुरंत सर बोलेंगे, कोई बोलेंगे आए सर वो बहुत लंबा है बड़ा अजीब लगे। नहीं बुकिंग रेडी रेडी हम जाओ, चलो जी रेडी, तो शो ऑलरेडी मार्क है, अभी सारे भाई लोग रिपोर्टर अपने आप में आपस में बिजी रहेंगे यार रेडी। और जब विक्रम सनी परी को लेके विक्रम और राहुल रेडी रो एंड
सो गाइज ये थी मौज मस्ती दो दिनों की अनुपमा सेट से। बहुत दिनों से मैंने अनुपमा के सेट से व्लॉग बिहाइंड द सीन नहीं बनाया था, तो सोचा इस बार एक व्लॉग बिहाइंड द सीन बना के अपने सब दोस्तों फैंस के लिए बनाया जाए। बड़ा मज़ा आया उस दिन शूट करने का। ये सारा एपिसोड आप देख ही चुके होंगे जब स्पाइस एंड चटनी रीओपन हुआ था, ये उस दिन की शूटिंग थी और उससे एक दिन पहले की शूटिंग थी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं व्लॉग्स को भी और अनुपमा को भी। प्लीज़ कीप लाइकिंग माई व्लॉग्स, कीप शेयरिंग माई व्लॉग्स और कमेंट्स में ज़रूर लिखते रहें कि आपको कैसा लगा। आपको पता ही है मैं हर कमेंट पढ़ के जवाब ज़रूर देता हूँ। तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे व्लॉग्स को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को उन लोगों ने जिन्होंने अब तक नहीं किया है। और देखते रहिए शेक हैंड्स विद वकार और मैं बहुत जल्द अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोग के लिए लेते हुए आऊँगा। See you again in my next vlogs. Bye-bye.